उदयपुर से बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस की गिरिजा व्यास आगे चल रही हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है, गुलाब चंद कटारिया पीछे चल रहे हैं। विजय, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि वो बड़े तगड़े मुकाबले में फंसे थे। जैन समाज के एक दो और लोग उनके खिलाफ मैदान में थे और उनको जैन मुनियों के आगे जाके कहना पड़ रहा था कि साहब देखिए, समाज के लोग ही सामने आएंगे तो कैसे होगा। हाँ, गिरिजा व्यास आगे चल रही है, इसमें यह भी माना जा रहा है। लॉटरी विभाग व्यवस्था, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, शेयर बाजार गिर गया है। बीजेपी एक तरफ हारती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है, बाजार पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो लुढ़क गया है शेयर बाजार में। रुपए की कीमत देखिए, एक रुपए 10 पैसे जहां घटी है, वहीं शेयर बाजार से अच्छी खबर सामने नहीं आई है। और कुल मिलाकर तस्वीर ये मानी भी जा रही थी कि बीजेपी अगर आगे बढ़ती है तो फिर हो सकता है शेयर बाजार से अच्छी खबर सामने आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी लीड लगातार बनाए हुए है। रुझानों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही जगहों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त है। रुझानों में छत्तीसगढ़ में तो उसे बहुमत भी मिल चुका है और इस लिहाज से सरकार बनाने की स्थिति में रुझानों में इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है। एक बार फिर से टैली पर नजर डालिए, मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस 104 पर, बीजेपी 98 पर, छत्तीसगढ़ में 90, 30 पर बीजेपी, 51 पर कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें, पहले ही 46 के साथ बहुमत का आंकड़ा वो छू चुकी है, लेकिन अपने इस आंकड़े को जीत के और ज्यादा रुझानों में बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 88 कांग्रेस, 74 बीजेपी और बुलेट की रफ्तार से आंकड़े देखने के लिए चलते हैं सीधे नेहा के पास। तीनों राज्यों में बन रही है कांग्रेस की सरकार, फिलहाल रुझानों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। सबसे पहले एक एक राज्य का हम आपको बुलेट की रफ्तार से अभी तक क्या है रुझान दिखा दे। राजस्थान में 172 सीटों का रुझान आ गया है और कांग्रेस पार्टी 88 सीटों पर आगे है, सिर्फ 12 सीटें दूर बहुमत के आंकड़े से, जो कि 100 है राजस्थान में। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चल रही है, हालांकि वहां मुकाबला दिलचस्प है। कई बार बीजेपी जो अंतर है उसको कम कर रही है, लेकिन 106 सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी वहां आगे हो गई है। इस हिसाब से सिर्फ 10 सीटें और चाहिए मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को। और छत्तीसगढ़ में पहले ही 51 के आंकड़े पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बड़ी तस्वीर यह कह रही है कि 230 में से 210 सीटों के रुझान आ गए हैं और 109 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 116 बहुमत का आंकड़ा है, लगातार बहुमत के आंकड़े के करीब आती हुई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी अभी 99 सीटों पर ही आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।